गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप लोग। आज हम टॉपिक लेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स टू आइडेंटिफाई द नेचर एंड कॉज ऑफ द डिजीज। क्या जरूरत महसूस हुई हमें कि हम डायग्नोसिस के लिए ज्यादा अवेयर हो गए। पहले भी ट्रीटमेंट होते थे, आज भी ट्रीटमेंट हो रहे हैं, लेकिन पहले जो मेथड्स जो लिए जाते थे, उस समय जब सिम्टम आ जाता था पर्टिकुलर डिजीज का, तब डॉक्टर आइडेंटिफाई करता था, डायग्नोस करता था कि पर्टिकुलर पर्सन को ये डिजीज है। लेकिन अब हम किसकी तरफ मोटिवेट हो गए हैं? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्यों हुआ है मोटिवेशन? आपको मालूम होगा कैंसर जैसी डिजीज है। कैंसर का डिजीज का जब तक आप आइडेंटिफाई कर पाए उसको कि आप इस पर्सन को कैंसर है, तब तक वो 40-50% क्रॉस कर जाता है। उस स्टेज के अंदर इस डिजीज को क्योर करना क्या हो जाएगा? बहुत ही मुश्किल। अगर हम किसी डिजीज को अर्ली डायग्नोसिस कर देते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, अगर डायग्नोसिस अर्लियर स्टेज पे हो जाए। यानी कि जो कन्वेंशनल मेथड थे वो डिपेंड करते थे पर्टिकुलर सिम्टम्स के बाद में। अब ये जो मेथड्स है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, सिम्टम्स आया नहीं है, एंटीजन बहुत ही लोअर अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। क्योंकि अब बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही एडवांस हो चुकी है। तो सबसे पहले व्हाट इज डायग्नोसिस? डायग्नोसिस इज टू आइडेंटिफाई, इज टू आइडेंटिफाई नेचर एंड कॉज ऑफ डिजीज। नेचर एंड कॉज ऑफ डिजीज। तो आप किसी डिजीज को पहचानने का काम कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उसका क्या कर रहे हैं? डायग्नोसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। डायग्नोसिस के अंदर जो भी पैथोजन है उसकी फिजियोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए। दैट इज नोन एज द पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी कोई भी पैथोजन हो, वेदर इट इज ए प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज कर रहा है, अगर वो दूसरा आर्बोवायरस है जिसकी वजह से जो है डेंगू और चिकनगुनिया हुआ है, अगर आपको पर्टिकुलर पैथोजन की फिजियोलॉजी मालूम है कि वो अटैक कैसे करेगा, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, हम उसको कौन से स्टेप में किल कर सकते हैं, किस स्टेप के अंदर उसको किल करना आसान हो जाएगा, तो ये हम तब कर पाएंगे जब हमें उस पर्टिकुलर पैथोजन की फिजियोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग होगी, मालूम होगा। सो डायग्नोसिस ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजी ऑफ पैथोजन। तो पैथोजन की फिजियोलॉजी को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो पहले जो मेथड होते थे, क्या वो इतने पॉसिबल अच्छे मेथड होते थे कि जिससे आप डिजीज को अर्ली डायग्नोसिस कर पाए? नहीं। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उनके साथ में, उन मेथड्स को क्या कहते थे? एक्चुअली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है ये अब आया है, ठीक है ना। पहले हमारे पास में जो मेथड्स थे टू आइडेंटिफाई डिजीज और डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज मेथड्स, पहले हम लेंगे फर्स्ट कन्वेंशनल मेथड्स जो पुराने टाइम में हम यूज करते आ रहे हैं। कन्वेंशनल मेथड्स, ये कन्वेंशनल मेथड्स किसके ऊपर बेस्ड होते थे? ये बेस्ड होते थे ब्लड का टेस्ट करा लिया, यानी कि ब्लड के टेस्ट में पैथोजन आना चाहिए। पैथोजन इतना ग्रो कर जाएगा कि वो आपके ब्लड के अंदर आना चाहिए, तब आप कहोगे कि यस, आप कन्वेंशनल मेथड के थ्रू क्या कर रहे हो? ट्रीटमेंट कर रहे हो। आपको उसका यूरिन सैंपल का, या फिर कह सकते हैं बॉडी के दूसरे सैंपल का पूरा का पूरी नॉलेज होनी है, चाहिए कि उसके यूरिन में क्या चेंज आए हैं, उसके ग्लूकोज का लेवल कितना चेंज हुआ है। तो उस मतलब एक दो पैरामीटर्स ही आपके पास में होते हैं जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर डिजीज को आइडेंटिफाई करते हो। तो कन्वेंशनल मेथड के अंदर वी यूज ओनली वन और टू पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल यूरिन टेस्ट, ग्लूकोज टेस्ट,
आप ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट। यू कैन आइडेंटिफाई द डिजीज बाय द हेल्प ऑफ द सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स होना भी बहुत जरूरी है। क्या मतलब हुआ? डिजीज आगे तक फैल चुकी है, क्या अब वो क्योर हो पाएगी? ये एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। सो डिपेंड ऑन सिम्टम्स। ओके, तो कन्वेंशनल मेथड के अंदर आप एक या दो पैरामीटर को यूज में ले रहे हो, दूसरा आप सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है वो पर्टिकुलर डिजीज क्या है। तो अगर कोई डिजीज फैल चुकी है, यानी कि अब वो 30-40% हो गई है, तब उसके सिम्टम्स बॉडी के अंदर अपीयर होना शुरू होते हैं। एड्स को देखिए आप, एड्स में तो कई बार एड्स वायरस आपकी बॉडी में आने के बाद में किसमें चले जाता है? इनएक्टिव एसिम्टोमेटिक फेस के अंदर, और 10-15 साल बाद वो एक्टिव होता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हम एक बहुत बड़े फेलियर में नहीं है कि हमें डिजीज का डायग्नोस ही नहीं हुआ? इसलिए अब हम किसमें टर्न अप हो गए हैं, दैट इज द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस विच इज नोन एज मॉडर्न मैथड्स। कौन से मैथड्स है ये? मॉडर्न मैथड्स। ओके, नंबर वन दैट इज द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज विच इज नॉट डिपेंड ऑन सिम्टम्स। पहली बात, नॉट डिपेंड ऑन सिम्टम्स, यानी कि आप उसको पहले ही क्या कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे। इस पर्टिकुलर टेक्निक के अंदर हम बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं, एडवांस मेथड को यूज करते हैं, जेनेटिक लेवल के मेथड्स को यूज करते हैं, ताकि हम उस डिजीज का जब तक वो अटैक करे उसका डायग्नोसिस कर ले और उसको क्योर भी कर ले, ठीक है ना। सो द मेथड, डिफरेंट modern diagnostic methods are number one, PCR, first PCR, polymerase chain reaction, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर के अंदर, और डिटेल में इसका वीडियो भी अवेलेबल है। Second is the ELISA. This one is very, very important. Enzyme-linked immunosorbent assay. Enzyme-linked immunosorbent assay. Actually, ये antigen-antibody interaction का test है, कि किस तरह से एंटीजन्स और एंटीबॉडी को आप अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और इसमें जो हम यूज में लेते हैं दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी एक बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं पून है किसके लिए, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अनदर टेक्निक इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जिसको हम मैब भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट डिजीजेस को इन अर्ली स्टेज। तो कुछ डिजीजेस हैं जिनको अपन देखते हैं कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, फिर ELISA को थोड़ा सा डिटेल में लेंगे, ठीक है ना। और म्यूटेशंस, जैसे कैंसर जैसे डिजीजेस जिसमें म्यूटेशंस आ जाते हैं जीन में, उनके लिए भी ये जो टेक्निक्स हैं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, दैट इज द ऑटो रेडियोग्राफ। फ्यू अदर मेथड्स आर, fourth one, that is known as autoradiography. इसके अंदर हम अपने डीएनए को क्या कर देते हैं, प्रोब जो है डीएनए का टुकड़ा है, जो सेगमेंट है प्रोब है, उसको हम रेडियो एक्टिवली क्या कर लेते हैं, लेबल्ड कर लेते हैं, ताकि हमें म्यूटेशंस के बारे में जानकारी मिल सके। इसके अलावा और जो टेक्निक है दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत सारे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड्स को बना सकते हैं, सो दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो कुछ मेथड्स हैं ये जिनको हम थोड़ा सा डिटेल में लेंगे अब नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर, ठीक है।
सो पीसीआर, एलाइजा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ऑटो रेडियोग्राफी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर द मॉडर्न डायग्नोस्टिक मॉलिक्यूलर मेथड्स विच हेल्प इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड टू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन पीसीआर. फॉर द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक इज पीसीआर, polymerase chain reaction. This technique is basically used for the amplification of DNA. Amplification of desired DNA. जो भी आपके DNA की need है, जिसकी भी, उस desired DNA की copy बनाने की power किसके पास में है? PCR. Suppose करो किसी person को infection हो गया किसी पैथोजन का, ठीक है ना? कोई भी पैथोजन आया और किसी पर्सन को इन्फेक्ट कर देता है, तो इन्फेक्ट करने के बाद में ऑब्वियसली उसके अंदर एंटीजन आ गया है. एंटीजन किस फॉर्म के अंदर आया? फॉरेन डीएनए के फॉर्म के अंदर आया. वो डीएनए हो सकता है आपके साथ में, आपके डीएनए के साथ में रेप्लीकेट करे, या अपना रेप्लीकेशन करके कोई प्रोटीन बनाए, और ये प्रोटीन जो है हमारे लिए क्या हो, टॉक्सिक हो, और इसी टॉक्सिक की वजह से क्या हो रही हो, डिजीज. तो पीसीआर टेक्निक जो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन, ये जो पैथोजन आया है जिसको अपन फॉरेन प्रोटीन कह रहे हैं, एंटीजन कह रहे हैं, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन को भी बड़ी कॉपी बना करके हम स्टडी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पैथोजन की पैथोफिजियोलॉजी को हम जान सकते हैं. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए को आप क्या कर रहे हो, कल्चर कर रहे हो, और कल्चर करके आप उसकी कॉपी बना रहे हो, और उस कॉपी से आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे नेचर ऑफ पैथो फिजियोलॉजी, नेचर ऑफ पैथो फिजियोलॉजी. तो आप उसके बारे में बहुत जल्दी जान सकते हैं और उस डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीसीआर टेक्निक से हम कौन कौन सी डिजीज जो है वो क्योर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एचआईवी, एड्स. एड्स का जो है ट्रीटमेंट हम बना सकते हैं किसके थ्रू, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ट्रीटमेंट नहीं, उसका जो है बता सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन को एड्स है या नहीं, या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, म्यूटेशंस आ जाते हैं, ठीक है ना. जेनेटिक डिसऑर्डर्स का बेसिकली सबसे बड़ा रीजन जो है दैट इज द म्यूटेशन. तो म्यूटेशन वाले जो जीन्स हैं उसका आप क्या कर रहे हो, रेप्लीकेट कर रहे हो वाया एम्प्लीफिकेशन के थ्रू, पीसीआर के थ्रू. और जब आप उसको कर लेते हो तब हम उसको किससे अटैच करवाते हैं, नॉर्मल डीएनए से. कैसे, इसको देखते हैं एक बार. सपोज करो ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर यहां पर डिफॉर्मेलिटी आ गई, म्यूटेशन आ गया, ठीक है. अब ये म्यूटेशन आया है और हमें मालूम है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हम सब जानते हैं कि नॉर्मल डीएनए क्या होगा. आपने नॉर्मल डीएनए को क्या करा दिया, एम्प्लीफाई, ठीक है ना, एम्प्लीफाई कराया, उसकी कॉपी बनाई. कॉपी बनाने के बाद में आपने क्या कर दिया, उस कॉपी के साथ में आपने ये म्यूटेशन जीन को ऐड कर दिया, ठीक है ना. आपने इस म्यूटेशन डीएनए को ऐड कर दिया किसके साथ में, किसके साथ में ऐड करा है आपने, एम्प्लीफाई की कॉपी के साथ में, यानी कि जो आप नॉर्मल डीएनए है उसके साथ में. लेकिन आप नॉर्मल डीएनए का क्या लोगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लोगे. तो हमने इसका कैसा लिया है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है ना. तो ये आपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लिया है. कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मतलब आप पहले उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में ले जाओगे और फिर आप उससे क्या बनाओगे, डीएनए. कैसे बनाएंगे, जैसे सपोज करो ये डीएनए है, इस डीएनए से क्या बना, आरएनए बना. आरएनए के अंदर हमने क्या डाल दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. जैसे ही आप इसको डालोगे ये आरएनए किस में चेंज हो जाएगा, डीएनए में. लेकिन ये डीएनए क्या होगा, इस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री होगा. और ये कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड. सो ये आरएनए की कॉपी बन गई,
इसको आपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को लिया और आपने म्यूटेंट का डीएनए भी, म्यूटेशन डीएनए भी लिया, दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जब आप इन दोनों के डालोगे, अगर ये दोनों सेम सेम होते हैं, सेम सेम होते हैं, कोई म्यूटेशन नहीं है, मीन्स दोनों में कोई म्यूटेशन नहीं है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी आपस में एनील हो गई है और नॉर्मल डीएनए है, ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि भाई इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर डीएनए में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि म्यूटेशन वाला डीएनए है, आप इसकी कॉपी बनाओ, ये कॉपी सेपरेट रहेगी, दूसरे के साथ में क्या होगी, एनील नहीं होगी, नहीं जुड़ेगी, इट मींस पर्टिकुलर पर्सन को क्या है, म्यूटेशन है। तो आपने क्या करा, आपने सिर्फ एम्प्लीफिकेशन मेथड के थ्रू आपने एक म्यूटेंट डीएनए की कॉपी बनाई, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है ना। सो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बेसिकली हम किससे बनाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं। डीएनए से आरएनए बनेगा, सेंट्रल डॉग्मा, आरएनए से जो प्रोटीन बनता है वहां पर आपने प्रोसेस को हैंग कर दिया और उस आरएनए से आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डाल करके, जो रेट्रोवायरस के अंदर जो टेक्निक होती है उसको डाल करके आपने क्या ले लिया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब ये जो आपने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लिया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है किसका, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। जब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको आप लोगे, आपको इसको म्यूटेंट जीन के साथ में हाइब्रिडाइज कराओगे, अगर ये फ्यूजन हो जाता है तो पर्टिकुलर पर्सन के अंदर नॉर्मल डीएनए है, कोई म्यूटेशन नहीं है। लेकिन अगर ये आपस में एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है इधर म्यूटेशन हो सकता है इधर म्यूटेशन हो, और इस म्यूटेशन को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, और जब आपको म्यूटेशन आइडेंटिफाई हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर पर्सन को कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये छोटी सी सुंदर टेक्निक पीसीआर की हेल्पफुल है, किसके अंदर, डायग्नोसिस ऑफ म्यूटेशन के अंदर। तो सबसे पहला काम पीसीआर का क्या है, आप म्यूटेशंस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपने जो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आया है उसकी कॉपी बार बार बन रही है, आप उस पैथोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमने कोरोना वायरस जो है, COVID-19 जो है, उसका आइडेंटिफिकेशन किसके थ्रू करा है, पीसीआर, क्योंकि जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा एज ए फॉर्म ऑफ एंटीजन और पैथोजन, तो उसने कॉपी बनाई है, उस कॉपी को हमने मल्टीप्लाई कराया है पीसीआर से, तब हमें मालूम पड़ा कि ये तो हमारा डीएनए नहीं है, ये किसी और का डीएनए है, तब हमें मालूम पड़ा कि ये किसी वायरस का डीएनए है, क्योंकि एक्चुअल में वो किससे मैच कर रहा था, COVID-19 से। तो उसकी एंट्री हमारी बॉडी में हुई है, उसकी मैचिंग COVID-19 से हो रही है, यानी कि आप स्मॉल अमाउंट के अंदर वायरस जैसा कोई मटेरियल भी आपकी बॉडी में आ जाता है जिसका जीनोमिक साइज बहुत कम है, उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हेल्पफुल इन HIV डायग्नोसिस, हेल्पफुल इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स स्पेशली म्यूटेशन डिसऑर्डर्स प्लस पैथोजेनिक, एंड ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाई द पैथोजन वेदर इट इज ए बैक्टीरिया, अगर ये बैक्टीरिया है तब, और अगर ये वायरस है तब, इन दोनों ही केसेस के अंदर आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पीसीआर टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा बून है हमारे लिए कि हम ये पता लगा ले कि ये फॉरेन डीएनए आया है, ये फॉरेन डीएनए का सोर्स क्या है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इतना आइडेंटिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है डिजीज डायग्नोसिस के लिए। सो पीसीआर इज नाउ फिनिश एंड द टोटल प्रोसेसर ऑफ PCR is mentioned in earlier video. Please check that one. So, next is monoclonal antibody. Monoclonal antibodies. Actually, mein monoclonal antibodies kya hoti hai? Suppose karo ye ek antigen hai. Ye hamari body ke andar enter karega. Iske against mein hamari body ne kya banaya hai? Antibody. हर एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी है, ठीक है ना, हर एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी है। अगर आपको एंटीजन नोन है, अगर कोई भी एंटीजन नोन है, तो आप उसके अगेंस्ट में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एंटीबॉडी, मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबॉडी,
योरसेल्फ, हम खुद बना सकते हैं एंटीबॉडीज को। फॉर एग्जांपल जैसे एंटीजन है, एंटीजन आपने किसी भी माउस के अंदर डाला, ठीक है ना, जिस भी माउस को आप यूज में ले रहे हो, जिसके अंदर आप उसका कल्चर कराना चाहते हो, मैंने सपोज करो ये एंटीजन इस माउस के अंदर डाला, इसकी बॉडी ने क्या बनाया, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। ऑब्वियसली उसमें से आप सेपरेट नहीं कर पाओगे उस समय कि कौन सी एंटीबॉडी है। फिर आप पर्टिकुलर डिजायर्ड एंटीजन की एंटीबॉडी आप आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंटीबॉडी, आप उसकी क्या बना रहे हैं, और कॉपीज बनाएंगे वाया फ्यूजिंग इट विद सम ट्यूमर सेल और माइलोमा सेल्स। अब हम इस एंटीबॉडी जो आपने बनाई है, ये बनी, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इस वाले एंटीबॉडी को जो बन रही है आपकी, हम उसको वैसा ही बनाएंगे किसके प्रोसेस के थ्रू, दैट इज नोन एज द माइलो, दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, माउस लेंगे, ठीक है ना, उस माउस के अंदर आपको मालूम है कौन सा एंटीजन डालना है, ठीक है, एंटीजन को आप लोगे, आप उसके साथ में क्या कर दोगे, फ्यूज कर दोगे माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल एक तरह का कैंसर सेल है, यानी कि अब आपकी ये सेल लाइन कभी खत्म नहीं होगी, लगातार ये एंटीजन इसको इन्फेक्ट करेगा और इन्फेक्ट करेगा और आपकी बॉडी क्या बना देगी, एंटीबॉडी। तो इस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या हो गई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का क्या हो गया है, फॉर्मेशन। अब इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को आप यूज में ले सकते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, आप इसको यूज में ले सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट, जो भी एंटीजन के थ्रू कैंसर होता है उस कैंसर का ट्रीटमेंट आप डायरेक्टली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बॉडी के अंदर इन्फ्यूज करके ले सकते हैं, ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये कुछ ऐसे यूजेस हैं जिनके पीछे क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मींस एंटीबॉडी अगेंस्ट सिंगल एंटीजन। अगर आपको कोई पैथोजन के अगेंस्ट में, एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनानी है, आप डायरेक्टली इंड्यूस कर सकते हैं उस पर्सन के अंदर एंटीबॉडी। एग्जांपल स्नेक वीनम, स्नेक वीनम अगर किसी बॉडी के अंदर चले जाता है तो वो एक प्रोटीन है, उसके अगेंस्ट में अगर एंटीबॉडी मिल जाएगी तो हम उसको यूज में ले सकते हैं। तो स्नेक वीनम के अगेंस्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडी यूज में ले सकते हैं अगेंस्ट स्नेक वीनम, अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजन। तो आप देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बहुत ज्यादा वास्ट यूज है। आपने कुछ नहीं करा है, आपने एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन आर्टिफिशियली करा है किसी भी माउस के अंदर, उसका करा के किसके साथ में, माइलोमा सेल्स के साथ में। अब आपको लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडी मिलेगी, उसको आप फर्दर ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो, ठीक है ना। और हम इसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज लेंगे डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि हम डायग्नोसिस वाला प्रोसेस कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो एलाइजा जो टेक्निक है उसके अंदर हम यूज में लेते हैं क्या, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। कैसे लेंगे उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज एलाइजा। व्हाट इज बेसिकली एलाइजा, एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। अब इसको हम करते हैं डिटेल में कि एक्चुअली में कि है क्या। देखो एलाइजा का बेसिक प्रिंसिपल जो है, द प्रिंसिपल बिहाइंड एलाइजा इज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। कि बेसिकली होता क्या है, एंटीजन्स होते हैं और उसके ऊपर एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। अगर आपको स्मॉल अमाउंट भी एंटीजन मालूम है या स्मॉल अमाउंट ऑफ आपको एंटीबॉडी मालूम है, तो यू कैन डिटेक्ट द डिजीज कि पर्टिकुलर पर्सन को डिजीज है या नहीं। अगर आपके पास में एंटीजन है या एंटीबॉडी है, उसको कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, ये हम एलाइजा के थ्रू पता लगाएंगे। तो सबसे पहले एलाइजा के अंदर क्या होता है, एक प्लेट होती है, प्लास्टिक की प्लेट, इस तरह से
इस प्लास्टिक की प्लेट को हम कहते हैं माइक्रो टाइटल प्लेट। क्या कहते हैं हम इसको? माइक्रो टाइटल प्लेट। अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर जगह जगह पर इस तरह से छोटे 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 बहुत सारे क्या होते हैं, वेल्स होते हैं। वेल्स आप जानते हो, गड्ढे जो हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। और आप ये मान के चलिए कि 96 एक्सपेरिमेंट एक साथ पॉसिबल हो जाते हैं, तो 96 इसके अंदर क्या होते हैं, वेल्स होते हैं। ठीक है, अब इन वेल्स के ऊपर जब भी आप कोई नोन एंटीजन, जैसे फॉर एग्जांपल एचआईवी का एंटीजन है, आप जानते हो एचआईवी का पैथोजन एचआईवी का एंटीजन ही हुआ। ठीक है, तो आप एचआईवी का एंटीजन जान रहे हो, आप कोई कैंसर वाले सेल्स हैं वो एंटीजन का ही काम करेंगे, वो आप जानते हो। तो आपको क्या करना है, पोर करना है व्हाट एंटीजन ओवर प्लेट। ये जो माइक्रो टाइटल प्लेट है इसके ऊपर आप एंटीजन को क्या करोगे, पोर करोगे। जब आपने एंटीजन को पोर करा इसके अंदर, तो यहां पर क्या थी, वेल्स इस तरह से, उन वेल्स के अंदर ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो गए, पहुंच गया। कौन पहुंच गया, एंटीजन। लेकिन एंटीजन आपको दिखेगा नहीं, वो तो स्मॉल है, आपको दिखेगा नहीं, ये तो माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है ना, आपको नहीं दिख रहा है। एंटीजन अपने आप जाके अटैच को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा सरफेस पर। अटैच और एब्जॉर्ब्ड ओवर सरफेस। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक ब्लॉकिंग एजेंट डाल देंगे। वो ब्लॉकिंग एजेंट जो भी खाली स्पेस होगी उस स्पेस को क्या कर देगा, ब्लॉक। सिर्फ और सिर्फ इस पे नहीं लगेगा, एंटीजन पे नहीं अटैच होगा। अब आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, एक ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है ना, आपने इसमें क्या डाल दिया, एक ब्लॉकिंग एजेंट डाल दिया। और इस ब्लॉकिंग एजेंट ने क्या करा, ये जो वेल्स थे आपके, ठीक है, इस तरह से वेल्स थे, इनको तो इन्होंने कुछ नहीं करा, ठीक है, लेकिन बाकी जो एरिया था उसको क्या कर दिया, इस तरह से ब्लॉक कर दिया। मतलब टोटल एरिया जो है सिर्फ कौन सा वाला ओपन रह जाएगा, जो एरिया जहां पर एंटीजन एब्जॉर्ब्ड हुए हैं वो एरिया ओपन है, बाकी सारा एरिया क्या हो गया है, ब्लॉक। ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसके ऊपर पोर करा। क्या पोर करा, एंटीजन, सॉरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, ऐड कर रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो खुद लिंक है किस, एक एंजाइम से। ठीक है ना, प्लस आपने क्या करा, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ली, दैट इज द मैप, जिसको आप क्या कह रहे हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और इस मैप के ऊपर आपने एक एंजाइम को क्या कर दिया, लिंक कर दिया। ये क्या है, एक एंजाइम है, उसको आपने क्या कर दिया, लिंक कर दिया। इस एंजाइम के पास में एक पावर है, और वो क्या पावर है, ये जो सबस्ट्रेट जो डलेगा, जो भी एडिशन होगा सबस्ट्रेट का, उस सबस्ट्रेट को जो कलरलेस है उसको कलर में चेंज कर देगा। क्या करेगा ये एंजाइम, एक कलरलेस सबस्ट्रेट को किसमें चेंज कर रहा है, एक कलरफुल सबस्ट्रेट के अंदर चेंज कर रहा है। कौन, ये वाला एंजाइम, कलरफुल सबस्ट्रेट किसने चेंज कर दिया, इस एंजाइम ने चेंज कर दिया जो आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ में लिया है। अब आप जब ये एंजाइम इसके ऊपर डालोगे, ठीक है, अब आपने क्या करा, अब आपने वापस माइक्रोटाइटर प्लेट ली, और उस माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर जो वेल आपने बनाई थी, बाकी वाला एरिया तो ब्लॉक हो गया इस तरह से, ठीक है ना, इस वेल के अंदर क्या प्रेजेंट था, एंटीजन। उस एंटीजन से कौन अटैच हो गया, सपोज करो ये एंटीजन था, उस एंटीजन से ये हमको दिख नहीं रहा है, कुछ भी चीज हमें दिखेगी नहीं, ये टोटल एक प्लेन एरिया होगा, सिर्फ कलर आएगा। ठीक है, यहां पर आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो पर्टिकुलर एंटीजन की है या पर्टिकुलर डिजीज उस पर्सन को है या नहीं, उसकी चेकिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, एलाइजा का टेस्ट कर रहे हैं डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, इस वाली एंटीबॉडी को आपने क्या कर रखा है, एंजाइम से लिंक कर रखा है। अब
यहां पर ये पर्टिकुलर एंटीजन के साथ अटैच हुई। इट मींस जो एंटीजन आपने लिया था, वेदर इट इज फॉर HIV और कैंसर और सम अदर डिजीज, वो डिजीज पर्टिकुलर पर्सन को है। ये कैसे पता चलेगा? जब ये एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ में अटैच हो जाएगा तो जो कलरलेस सब्सट्रेट था वो किसमें चेंज हो गया? कलर में। अब यहां पर आपको डॉट नजर आएगा, कलर नजर आएगा, ये शो करेगा पॉजिटिव इन्फेक्शन। अगर नहीं आ रहा है तो नेगेटिव इन्फेक्शन। तो ये क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव इन्फेक्शन अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उसके साथ में अटैच होती है। ये साथ में ये भी बताता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। सपोज करो दूसरी वेल के अंदर भी इसी तरह का प्रोसेस चल रहा हो, ठीक है ना, और इन सब में अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है और वो अटैच हो जाती है, ठीक है, देखिए आप ये भी अटैच हो गई, ये भी। अब इसका कलर क्या आएगा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर आएगा। ये शो करेगा कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। अगर कम है, मिनिमम है, तभी भी कलर आएगा, वो क्या शो करेगा? इन्फेक्शन बहुत मिनिमम कंसेंट्रेशन में है। तो हायर कंसेंट्रेशन और मिनिमम कंसेंट्रेशन आपको इससे पता चल रहा है। हालांकि अब एलाइजा के अंदर बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स आ चुकी हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, सैंडविच है, ठीक है ना, और कंबाइंड है, इस तरह के बहुत सारे एलाइजा आ गए हैं। बट एलाइजा का जो मेन प्रिंसिपल आपको पता लगना है वो क्या है कि इसके अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज हो रहा है। बिना मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के आप एलाइजा नहीं कर सकते। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड इज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। आपने सिंपल सा एक टाइटर लिया है जिसके अंदर वेल्स हैं, उन वेल्स के अंदर आपने एंटीजन डाला, एंटीजन अपने आप पर्टिकुलर जगह पर अटैच हो जाएंगे, आप उसको बाकी सैंपल को फेंक दीजिए। फिर आपने ये जो डाला है, सैंपल जो लिया है, पोर जो आपने करा है, ये एंटीजन कहां से लिया? आपने सीरम से ही तो लिया है। या तो आप डायरेक्टली जो है सीरम डाल दें, डायरेक्टली जो है आपका सीरम, सीरम यानी कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर को हटाओ और आपने इसके अंदर सीरम डाला। सीरम के अंदर एंटीजन भी है, सीरम के अंदर एंटीबॉडी भी है। तो जब आप एंटीजन डालेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी एंटीबॉडी भी डालेंगे। अगर अटैचमेंट होता है तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है कि इन्फेक्शन है, और अगर अटैचमेंट नहीं होता है तो नेगेटिव। सपोज करो ये कोई HIV का एंटीजन था, ठीक है, हम इसको नाम लेते हैं, मान लेते हैं कि HIV का एंटीजन है और हमें पर्टिकुलर पर्सन के अंदर टेस्ट करना है कि उसको HIV है कि नहीं, ठीक है ना। आपने उसके सीरम को लिया, सीरम को लेने के बाद में आपने इसमें एंटीजन डाल दिया। अब अगर उसके पास एंटीजन HIV का है तब तो आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उससे अटैच करेगी, क्योंकि ये वही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो इस एंटीजन की पेयरिंग है, ठीक है ना। ये आपने खुद ने इंक्लूड करी है, आपने डाली है। एलाइजा में एक बेनिफिट आपको है कि या तो आप एंटीजन का यूज कर लें या आप एंटीबॉडी का यूज कर लें। सपोज करो अगर मैं यहां पर एंटीबॉडी का यूज करूंगी तो मैं इसके अंदर पहले एंटीबॉडी से इसको ट्रीटमेंट कराऊंगी, लेकिन मैंने यहां पर एंटीजन का यूज करा है, एंटीजन डाला मैंने HIV का सीरम के थ्रू, छोड़ दिया इसको, फिर मैंने अपना मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि एक एंजाइम से लिंक थी उसको डाला। अगर वो इस पे अटैच होती है और कलर देती है तो शो करता है कि पर्टिकुलर पर्सन को इन्फेक्शन है, और अगर नहीं होता है अटैचमेंट, इट मींस नेगेटिव रिजल्ट, पर्टिकुलर पर्सन को इन्फेक्शन नहीं है। तो एलाइजा से आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन इन माइक्रोग्राम को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो इजिली। इसलिए ये टेक्निक ज्यादा हेल्पफुल है एज कंपेयर टू द अदर टेक्निक। So, PCR, ELISA, they are the best molecular diagnosis techniques, okay? तो इसी की वजह से हम बहुत अर्ली स्टेज में डिफरेंट डिजीज को डायग्नोस कर लेते हैं, और वो भी बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ में।